सुमेर भाई, आज है हमारे पास ये 4 इंची की मतलब ग्राइंडिंग, जिसकी मतलब आज मैं करने वाला हूँ पूरी फील्ड कॉइल रिपेयरिंग, फील्ड कॉइल निकालने का तरीका। यानी कि आप लोग बहुत लोग नहीं जानते होंगे फील्ड कॉइल निकालने का तरीका कैसा होता है, तो मैं आज आपको पूरी अच्छे तरीके से जानकारी देने वाला हूँ। कितने लोग ऐसे इसको मतलब कुछ गलत तरह से निकाल करके इसको ख़राब कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, तो कैसे करनी होगी सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो गाइस, मेरा नाम प्रिंस तिवारी, आप देख रहे हैं सीखो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। सुमेर भाई, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इसको कैसे ओपन की जाती है और इसको फील्ड कॉइल कैसे निकाली जाती है। ताकि आर्मेचर तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन जब आप फील्ड कॉइल निकालने की बारी आती है तो सबकी मतलब भाई आज सहज मैं ऐसे सहज उपाय बताने वाला हूं जिससे आप चुटकी बजा के यूं से अपने फील्ड कॉइल को निकाल सकते हैं। और आपका ये फील्ड कॉइल हो या आपको कोई और फील्ड कॉइल हो, उसको आसानी से यही विधि लगा के सारी की सारी फील्ड कॉइल निकाली जाती है। तो क्या होगी सारी सारी विधि, तो बढ़ते हैं तरफ और देखते हैं कि आखिरकार कैसे निकाली जाती है। सुमेर भाई, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। तो बढ़िए देखते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दूसरा चीज़ ये कि अगर आपको इलेक्ट्रिक संबंधित किसी भी तरह की परेशानी और दिक्कत हो रही है ना, तो आप हमारे फ़ोन के साथ साथ हमको भी बेहिचक परेशान कर सकते हैं। वो किस माध्यम से, आपको ये इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही है ना, इसको फॉलो कर लीजिएगा और डायरेक्ट हमारे फ़ोन के साथ साथ हमको भी परेशान करके अपने परेशानी का मतलब समाधान ले सकते हैं वहाँ से। हमने दोनों के दोनों कार्बन को इसमें से डिस्चार्ज कर लिए हैं, उसके बाद में आपका फील्ड कॉइल का जितना भी वायर होगा सारी की सारी वायरें इसमें से डिस्कनेक्ट कर लेनी होगी। तो भी मैंने सार मतलब सभी के सभी वायर मैंने इसमें से डिस्चार्ज कर लिए। आखिरकार ये फील्ड कॉइल हमको क्यों बदलनी पड़ रही है, क्योंकि ये फील्ड कॉइल ख़राब नहीं है, क्योंकि आपको देखिएगा यहाँ से इसकी लूपिंग वायर बार बार टूट रही है, बार बार हम इसमें काउंट कर रहे हैं टूट रही है, तो हमने फाइनली इसको चेंज ही कर दिया। तो अब डाल करके आर्मेचर को बाहर करते हैं। तो हमने इसकी स्क्रू की खोल ली और इसके बाद में हमारी ये मतलब हेड हो गई, और हेड के बाद ये हमारा आता है इसमें बीच में से आर्मेचर निकल के, और ये हमारे आर्मेचर बाबू बाहर आ गए। ऐसे ये हमारे आर्मेचर बाबू रहे जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, कितने चल चुके हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, एक अलग तरह की इसमें से घाट अपने से ये बना चुके हैं। तो ये हमारे आर्मेचर बाबू हो गए, तो इसके हम इनका हमको कोई काम नहीं है, तो इनको रखते हैं अब साइड में। बात आती है ये आर्मेचर बाबू हो गए और फील्ड कुमारी, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, ये फील्ड कुमारी होंगे, इसके ऊपर एक इनकी कवर लगी रहती है, तो ये फील्ड कुमारी हो गई। तो इस फील्ड कुमारी को निकालने के लिए सबसे ईजी तरीका, आपको इसको ऐसे ठोकेंगे, ना 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 ना, पापा बहुत मारेगा, पीछे से एक सपोर्ट देकर के ऐसे ठोकेंगे, बिल्कुल नहीं करनी है वैसे, ताकि आपकी बड़ी नुकसान हो जाएगी, तो फिर कस्टमर भी दोबारा नहीं ले पाएगा। बस इसको निकालने का एक सहज उपाय है, कैसे, नहीं इसको नहीं ऐसे ठोकनी है और नहीं इसको पीछे से सपोर्ट देनी है, क्योंकि ऐसे आप ठोकेंगे तो आपकी बॉडी ये डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब ये ख़राब हो जाएगी, दोबारा नहीं निकल पाएगी। तो इसको निकालने के लिए आपको लेनी होगी एक छोटा सा हैमर। अब बोले कि भाई हैमर तो उठा ही लिए होगे, तो पीछे से एक सपोर्ट ही दे के मारोगे ना, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, पहले पूरा देखो उसके बाद में आगे समझना। सो मेरे भाई, ये हैमर हो गई, इस फील्ड कॉइल को चेंज करनी है हमको, तो हमको क्या करनी होगी, बस इस हैमर से ये जो चारों नट कोने दिखाई दे रहा है, बस इस पर आपको ऐसे ऐसे हल्के 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 करते करते दोनों साइड से ऐसे ऐसे हल्के हल्के करते करते आप लोग देखेंगे हमारी फील्ड कुमारी बाहर आ चुकी है, बहुत आसान तरीके से अपने हाथों में आ चुकी, कोई पीछे से सपोर्ट भी नहीं देनी पड़ी और हमारी फील्ड कॉइल की जगह खाली भी हो गई। तो ये हमारी हो गई फील्ड कुमारी और ये हमारे हो गए आर्मेचर बाबू। तो ये हमारे फील्ड कॉइल सही है, बट हमको इसको चेंज करनी पड़ी ये लूप के कारण से। तो इस फील्ड कॉइल को हम रखते हैं साइड में। अब हम लेते हैं नए वाली फील्ड कॉइल। तो नए वाली फील्ड कॉइल कुछ मैंने इस तरह के मंगा रखे हैं, जैसे आपको दिखेगा कि HID के इस फील्ड कॉइल हो जाती है। तो ये देखेंगे आप एक चीज़ और, फील्ड कॉइल में दो तरह की फील्ड कॉइल आती है, आप लोग इस पर थोड़ा सा गौर और ध्यान दीजिएगा। आपको एक मतलब मैं जानकारी आपको ये दे दूं कि ये फील्ड कुमारी जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इसमें से वायर निकली हुई है। तो ये हमारी हो गई फील्ड कुमारी। तो फील्ड कुमारी में आप लोग एक चीज़ और देखेंगे, कंपनी जो देती है आप लोग, कंपनी एक इसमें कोटेड लगा के देती है, आपको दिखेगा एक अच्छा सा कोटेड लगा के देती है, और हम भी मार्केट से लिए हैं एक अच्छा सा कोटेड लगा के लिए हैं, क्योंकि फील्ड कॉइल बहुत तरह की मार्केट में आ रही है। फील्ड कॉइल में आपको एक नॉर्मल सा बाइंडिंग करके भी आपको दे देता है, दूसरा आपका एल्युमिनियम कॉइल परफेक्ट रूप से आ रही है, जो कि पैसे की मतलब पैसे कम लेती है, तो लोगों को लगता है भाई अच्छी कॉइल होगी, नहीं इसमें एल्युमिनियम कॉइल भी बाइंडिंग आ रही है, तो आप लोग इस चीज़ पर भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात ये रही कि इसको लगाने के लिए आपको लोग दिखेगा कि इसमें से दो वायर सेम कलर की निकाली गई है, तो आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये दो वायर है, ये आपका अलग दिशा से, यानी कि एक ये मतलब एक यहाँ पे है तो दूसरा आपका यहाँ पे, यानी कि एक इस कॉइल से है तो दूसरा आपका इस कॉइल से है, तो इसको आपको एक लेनी होगी और एक इसको आपको एक लेनी होगी। तो इसमें भी एक डिफरेंस आ जाती है कि आखिरकार कौन से लाइन पर लेने होंगे और कौन से कार्बन पर लेने होंगे, क्योंकि
क्योंकि इस पे तो कहीं लिखी नहीं है, हमको तो कहीं कुछ पे लिखा भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ठोक ही लेते हैं, क्योंकि वायर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक फील्ड कॉइल से दो तरह की वायर आती है, एक फील्ड कॉइल से दो तरह की वायर आती है। तो इसको मतलब लगाने के लिए इस फील्ड कुमारी को लगा देते हैं सबसे पहले, और ये चारों जो इसमें से होल दिए हुए हैं, इस चारों होल से हम चारों वायर को बाहर पहले लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई एक चीज़ और, फील्ड कुमारी को निकालने के लिए तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल लिए, लेकिन लगाते टाइम आपको इसमें एक सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये आसानी से जाने वाली नहीं है। जो बाहर आ जाती है वो आसानी से अंदर नहीं जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आपको डालने के लिए इस तरह की कुछ भेल पिन लेनी होगी, तो इस भेल पिन का इस्तेमाल कहाँ करना होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें कैसे लगाई जाती है और वायर की कॉम्बिनेशन कैसे डाली जाती है। तो देख रहे होंगे कि हमने चार ऐसे वायरें अलग अलग विभिन्न कलर के हमने चार बाईपास कर लिए हैं। करने के बाद में अब हमको यहाँ जैसे अब आसानी से इसको ठोक के बाहर कर लिया है ना, लेकिन ये आसानी से अंदर नहीं जाएगी क्योंकि ये बहुत ही हार्डली जाएगी। तो इसको भेजने के लिए हमने इस तरह के बेल पिन का, जैसे मैंने आपको बताया कि सहारा लेना पड़ेगा, तो इस बेल पिन को आपको दोनों इस साइड में सपोर्ट दे करके इसको फिर से अंदर डालनी होगी, क्योंकि बाहर तो आ गई है, अंदर बहुत मुश्किल से जाती है। तो देखते हैं कैसे आगे बढ़ती है। देख रहे हैं कितना ठोकने के बाद ये अंदर गई है, तो ये जा करके अपने जगह तो पकड़ ली है, क्योंकि बहुत आसान तरीके से ये बाहर आ चुकी थी, लेकिन हमको ठोकने के बाद ये अंदर चली गई है। दूसरा चीज़ ये कि तो ये तो मतलब ठोकने से अंदर चली गई है, क्योंकि बाहर तो बहुत आसानी से आ गई थी, अंदर डालने के लिए बहुत ही प्रयास करना पड़ा जिसके कारण से अंदर गई। अब बात आ जाती है वायर की कनेक्शन। तो वायर की कनेक्शन मैं आपको यूँ समझा दूँ, उससे पहले आपको एक चीज़ और जानकारी रखनी होगी। ये ठोकने के बाद में अपना स्विच हुआ ये थोड़ा सा जड़ा करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ताकि ये अंदर जाती है ना तो इसको टाइट कर देती हैं, इसको जो स्विच होती है ना इसको टाइट कर देती है। तो ये जो चढ़ा कर चेक कर लीजिएगा, हमारा तो बहुत फ्री हो रहा है, अब अपना आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कि आपका कैसा है, टाइट है या फ्री है। दूसरा चीज़ ये कि अब आते हैं वायर पे। तो वायर में हमने क्या क्या हम आपको भी क्या करनी होगी, वायर के रिलेटेड आपको जो ये दोनों ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है ना, दोनों मतलब ये ब्लू ग्रीन बोल सकते ब्लू बोल सकते हैं, ये दोनों ब्लू वाला वायर आपका दोनों यहाँ पे देखेंगे आप तो ये आपका कार्बन के होल्डर पे चली जाएगी। जैसे हमने इसका भी यहाँ पे कनेक्शन किया और इसका यहाँ पे कनेक्शन किया, और ये दोनों वाइट जो है ये दोनों वाइट आपका डायरेक्टली यहाँ पे लाइट के इनपुट में आ जाएगी। आपको ऐसे कनेक्शन ये दोनों आपको लाइट के इनपुट में आ गई, आपको दिखाई देगा लाइट के दोनों इनपुट में आ गई। अब वायर जो इधर उधर बिखरी है ना, तो इसको ऐसे ऐसे इस तरह से एक शेड्यूल में इसको आप सजा लीजिएगा, या पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सजा के रखेंगे। तो फिलहाल हमने तो ये समझ ली, अब बात करते हैं एक चीज़ और। तो इसको कसने के बाद में आप लोग नया कार्बन इसमें ज़रूर ही इस्तेमाल करिएगा, ताकि आप लोग अगर नए कार्बन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपकी आर्मेचर जल जाए। ताकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी जो पुरानी वाली कार्बन होती है उसका लय दूसरा हो जाता है, इसलिए आपको नया कार्बन मतलब यूज़ करना पड़ता है। तो आपने इस डालने और निकालने की विधि तो बहुत अच्छे से तरीके से जान ली होगी कि डालने में और निकालने में बहुत फ्री रहता है, लेकिन डालने में बहुत ही टाइट हो जाता है। माइंड आपका है, आप लोग कुछ भी सोच सकते हैं, बट ये डालने निकालने की विधि आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। सो मेरे भाई आपका भाई प्रिंस मिलते हैं नए वीडियो में। आर्मेचर रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी चाहिए था तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए वीडियो, तब तक आप